यूसुफ सर, कांग्रेस के लिहाज से अमेठी और रायबरेली बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की एंट्री की मांग हो रही है, राहुल गांधी को अमेठी में लाए जाने की मांग हो रही है। प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस जो जिला कमेटियां हैं वो सिफारिश कर रही हैं कि भाई प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए। अब अगर ये जिस फॉर्मूले पर अभी तक कांग्रेस बढ़ती हुई देखी जा रही है, कितना इम्पैक्टफुल फॉर्मूला वो है। साथ ही साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एकदम से अपना नॉमिनेशन किया, वैसे जब राहुल गांधी की भी एंट्री हो जाएगी, नॉमिनेशन हो जाएगा, तो कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव से और आसपास के लगे हुए प्रदेशों पर भी, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? बहुत शुक्रिया राम प्रकाश राय जी, सभी साथियों को नमस्कार। राम प्रकाश राय जी, दरअसल सवाल यह है कि भाजपा जो उत्तर भारत में कुछ कहती है और दक्षिण भारत में कुछ कहती है, उसने राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का और मुसलमान, तीन मुद्दे हैं उसके पास, चौथा कोई मुद्दा नहीं है उसके पास जिसकी वो चर्चा करे। यानी राहुल गांधी अमेठी के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भाजपा उसकी सबसे ज्यादा चिंता कर रही है। आप स्मृति ईरानी का बयान देखिए, जब से वो अमेठी में मौजूद है, पिछले 10 दिन के बयान देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो राहुल गांधी की चर्चा ना करती हो। तो अमेठी की जनता से ज्यादा, कहीं ज्यादा भाजपा को राहुल गांधी के नामांकन का इंतजार है अमेठी में। और ये बहुत बुरा होता है जब कोई पार्टी अपने विरोधी दल के नेता के लिए इस तरह का प्रचार करती है। बहरहाल, मूल हमारा जो सवाल है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेठी में नहीं होगा, सिर्फ रायबरेली में नहीं होगा, बल्कि जैसा आप कह रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में इसलिए होगा कि देखिए, कांग्रेस बहुत समय से यूपी में उतनी प्रभावी नहीं रही है जितना उसको होना चाहिए था ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाते। इसकी वजह खुद गांधी परिवार है, इन लोगों ने अपने आप को दूर रखा अमेठी से, रायबरेली से। ये लोग एक तरह से उसको मतलब विसर्जित कर चुके थे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जनता जब आपको चाहती है, जब जनता आपसे प्यार करती है, आपका नाम लेके गांव गांव में लोग कहते हैं कि राहुल जी आए यहाँ से चुनाव लड़े, हम उनके साथ खड़े हैं, तो आपको हमेशा जो है जनभावना का आदर करना चाहिए। 2019 में जब आप वहां से चुनाव छोड़ के गए और वायनाड चले गए, वो भी गलत एक फैसला था। आप रहते, आप अमेठी में बेशक चुनाव हार जाते, यही अमेठी के लोग जो अब रियलाइज कर रहे हैं, तब और शिद्दत से रियलाइज करते अगर आप अमेठी छोड़कर नहीं गए होते। तो ये कांग्रेस के लिहाज से थोड़ा सा, जो मैं कहूंगा, एक गलती जैसी चीज हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, सुधार हो रहा है तो इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। और मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि राहुल प्रियंका के अलावा खड़गे साहब को भी यूपी से उतारा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बहुत होशियारी दिखाई है, बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है कि वो अखिलेश को अंतिम समय में कन्नौज से ले आई और उनके परिवार के अन्य लोग भी लड़ रहे हैं। इससे होता क्या है कि आपका चुनाव जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत मजबूती बनाता है। यानी अगर राहुल प्रियंका आते हैं, खड़गे जी भी आते हैं यूपी से लड़ने के लिए, तो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पूरे दिलो जान से जुटेंगे और कार्यकर्ताओं के दम पर ही कोई चुनाव जीता या हारा जाता है। तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे साहब का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ अमेठी या रायबरेली तक नहीं रहेगा, बल्कि थर्ड फेस में, चौथे फेस में, पांचवें फेस में, छठे फेस में, यानी सातवें फेस तक पूरा प्रभाव पड़ेगा उत्तर भारत में। तो ये बहुत समझदारी है जो कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है, और जैसा कि मेरे पास सूचना भी है और सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आजकल में इसका ऐलान कर देगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी से चुनाव लड़ाया जाएगा। खड़गे साहब को लेकर जरूर अभी कोई सूचना इस तरह की नहीं आ रही है, लेकिन ये बहुत बुद्धिमानी का सबूत होगा अगर कांग्रेस खड़गे साहब को भी यूपी से लड़ाती है, क्योंकि जो एक मैसेज देना है खड़गे साहब के जरिए कांग्रेस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़गे साहब जो है सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, उनमें भी प्रधानमंत्री पद का जो है गरिमा है उनके अंदर, उनको बनाया जा सकता है। कांग्रेस क्यों नहीं किसी दलित को अपना अगला प्रधानमंत्री घोषित करती है? मैं तो ये बात आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं कि खड़गे साहब क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कांग्रेस को चाहिए, राहुल गांधी और प्रियंका को चाहिए, सोनिया गांधी जी को चाहिए कि आगे आके कहें कि हम खड़गे जी को अगर आप लोग जिताएंगे यूपी से तो हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये गेम चेंजर हो सकता है। बहरहाल, ये एक बड़ी दूर की कौड़ी है, जब तक खड़गे जी का नाम ठोस रूप में सामने नहीं आता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तीनों मिलकर इस चुनाव को पलट सकते हैं,
इनमें वो मादा है कि कांग्रेस इस गेम में जबरदस्त ढंग से आ सकती है, वो आ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। जो चुनाव अभी दो दौर के हुए हैं और तीसरे दौर का चुनाव यादव बेल्ट में होने जा रहा है, और यादव बेल्ट और मुस्लिम जो मतदाता है 12% के करीब, वो मिलकर एक बहुत अच्छा समीकरण दे रहे हैं तीसरे दौर के 10 सीटों पर। तो गेम चेंजर होगा अगर तीनों लोग चुनाव लड़ते हैं। यूसुफ सर, मुद्दों को लेकर के थोड़ी सी बात हो रही थी, मुद्दों की बात जो है लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो उठाते हुए देखे जा रहे थे, चाहे वो घोषणा पत्र की बात हो या तमाम जो बड़े नेताओं के भाषण है उनमें मुद्दे शामिल है। जिस तरीके से अभी प्रदेशों में चुनाव हुए थे कुछ प्रदेशों में, उसमें जिस तरीके से क्षेत्रवार और प्रदेश के अंदर भी जिन जिन क्षेत्रों में जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं को पिन करके उठाया गया था इस मंचों से, कहीं चाहे वो प्रियंका गांधी रही हो चाहे वहां के स्थानीय नेता रहे हों, अभी लगातार देश में बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के भविष्य से लेकर के स्टाइपेंड देने तक की तमाम जो समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान दोनों की बात कांग्रेस पार्टी करते हुए देखी जा रही है, इंडिया गठबंधन के बाकी दल उसमें पूरी तरीके से उसका साथ देते हुए देखे जा रहे हैं। कितना कामयाब देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को वोट जो है चुनाव जो है वो मुद्दों की तरफ घुमाते हुए? मेरा सवाल सीधा यह है कि जनता जो मुद्दों पर चुनाव से भटक गई थी कहीं ना कहीं, क्या वो जनता मुद्दों के ऊपर मुद्दा आधारित चुनाव पर लौटती हुई देखी जा रही है? इसमें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलती हुई दिख रही है? शुक्रिया राम प्रकाश जी। मुद्दे पर हम बात करेंगे लेकिन पहले राहुल गांधी और वाड्रा के ऊपर बात कर लें, जो हालांकि मेरे कोई संबंध नहीं है इन लोगों से, ना जो है कभी मेरी की मिलने की कोई उत्सुकता रहती है इन लोगों से। बहरहाल देखिए, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो जनता होती है। जनता ही नेता को सजा देती है कि हमने आपको जाओ माफ किया, या जाओ हमने आपको जिता दिया, या जाओ आप हमने आपको हरा दिया। नेता, किसी नेता की ये औकात नहीं है कि वो जनता से कहे कि जाओ तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं नहीं लौट कर आऊंगा। ये नजरिया बहुत ही फासिस्ट नजरिया है, बहुत ही खतरनाक नजरिया है। किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं है वो किसी क्षेत्र की जनता को कह सके कि जाओ तुमने मुझे हरा दिया तो मैं दोबारा तुम्हारे यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यही होता तो इंदिरा गांधी कभी भी रायबरेली से फिर से चुनाव नहीं लड़ती, एक बात। दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा के जो पोस्टर लगे और जो उनकी चर्चा हुई कि रायबरेली से, वो एक नॉन सीरियस इशू था और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था कि कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि भी चलो ये भी मैदान में है। एक्चुअली रॉबर्ट वाड्रा जो है वहां पर अपनी पत्नी की तरफ से ही तमाम चीजों को देखने गए थे, तमाम चीजों को समझने गए थे कि अगर प्रियंका यहां से लड़ती हैं तो चुनाव को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये सारा कंफ्यूजन था। रॉबर्ट वाड्रा कभी भी कांग्रेस की तरफ से ना तो उम्मीदवार होंगे, ना हो सकते हैं, ना होंगे, तो ये बात बहुत साफ है। और कांग्रेस ने कभी भी इसको सीरियस इश्यू नहीं लिया कि रॉबर्ट वाड्रा वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जहां तक अमेठी से प्रियंका गांधी के लड़ने की बात है, ये बहुत ही बुद्धिमानी वाली बात होगी अगर उनको उतारा जाता है और राहुल को अमेठी शिफ्ट किया जाता है या यूपी में कहीं से और शिफ्ट किया जाता है। तीनों ही बातें एकदम सही होंगी कांग्रेस के नजरिए से। अब कांग्रेस कैसे इसका देखती है, जहां तक वो बात है कि उन्होंने चंद यूट्यूबर से बात की बुलाकर राहुल गांधी ने और सलाह मशवरा किया, तो राहुल गांधी तमाम यूट्यूबर्स के सलाह पर अपना फैसला नहीं लेंगे या बदलेंगे। उनके पास अपने खुद की बहुत टीम है, बहुत मजबूत और अच्छी टीम है जो उनको सलाह देती है, और उनके सलाह देने वाले तो सैम पित्रोदा और न जाने कौन कौन विदेश में बैठे हुए हैं जिनके बारे में भाजपा अक्सर चुटकी लेती है। तो किसी यूट्यूबर की सलाह पे जो है वो राहुल गांधी अपना फैसला नहीं लेंगे। ये बात हो गई खत्म। अब मुद्दों की बात आती है, जो आपने मुद्दों का जिक्र किया। देखिए, मुद्दे जो है वही थे जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है, दरअसल उन्हीं को मुद्दे कहते हैं। उसमें बेरोजगारों के लिए, उसमें महिलाओं के लिए, उसमें बुजुर्गों के लिए, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए, यानी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जीवन का जिसके लिए कांग्रेस ने कुछ ना कुछ उस घोषणा पत्र में शामिल किया है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है उसके घोषणा पत्र में कोई भी इस तरह का कोई वादा नहीं था, कोई भी यहाँ तक कि वो ये हिम्मत नहीं दिखा सके कि CA NRC की चर्चा करते, उन्होंने NRC को एकदम भुला दिया। तो कहने का आशय ये है कि
भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए या वादा करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है जिसका जिक्र वो अपने घोषणा पत्र में करते और कहते कि साहब हमने ये करके दिखाया है, आप हमें वोट दीजिए। धारा 370 हटाने का जो कितना असर हुआ है कश्मीर में, वो हालत ये है कि अनंतनाग राजौरी सीट जो भाजपा लड़ने चाहिए और गुलाम नबी आजाद जो वहां अपने आप को मान रहे थे वो तक भाग गए। यानी आप सोचिए कि धारा तो 370 आपने हटा दिया और आप वहां चुनाव लड़ने की औकात आपकी नहीं है। एक बात, आपने 3 तलाक हटा दिया लेकिन मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं ये बात आप सुनने को तैयार नहीं है। कुल मिला के आशय ये है कि मोदी जी जो अब जिस तरह से ऐसे मुद्दों को बीच में लाए हैं अपने रैलियों में, आज भी लाए हैं, वो उनकी पोल खोल गया है, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल गया है। और सिर्फ उसी वजह से आज हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र बार बार पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें कहीं मुस्लिम लीग की छाप तो नहीं है, कहीं इसमें मंगलसूत्र छीनने की बात तो नहीं है। मैं सौरभ शुक्ला जो जर्नलिस्ट हैं टीवी मीडिया के, उनका जिक्र करना चाहता हूँ। सौरभ शुक्ला एक सब्जी मंडी में गए और वहां उन्होंने एक महिला से बात की, रैंडम सर्वे था वो उनका, कि आप बताइए कि ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं मोदी जी, कितना खतरे में है आपका मंगलसूत्र। तो उस महिला ने जो एजुकेटेड नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने जवाब दिया, कितना बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज तक तो हमने कभी सुना नहीं कि कांग्रेस ने किसी का घर छीन लिया हो या मंगलसूत्र छीन लिया हो या कांग्रेस ने छीनने की कोशिश की हो या सोचा हो ऐसा कि हम फला की संपत्ति लेके फला को दे देंगे, फला महिला का मंगलसूत्र छीन कर फला को दे देंगे। तो ये जो मुद्दा है जो मोदी जी मंगलसूत्र का लाए और संपत्ति छीनने का यानी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा लाए, वो हवा में उड़ गया है। और सिर्फ उसी वजह से, मोदी जी के भाषणों की वजह से, योगी जी के, देखिए योगी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में लिखा है कि देश को शरिया कानून से चलाया जाएगा। मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि इन लोगों ने ऐसे मुद्दे उछाले जो जिसका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है और उन्होंने उसे मुद्दों में ढालने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर कहीं से होता दिख नहीं रहा है। ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं मुद्दों के नाम पर, इनके पास दरअसल कभी मुद्दा था ही नहीं। और जिस तरह से उन्होंने अभी राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हम, और अखिलेश यादव ने भी ये बात कही कि हम जो बीजेपी सरकार जो है केंद्र सरकार फौज में 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का जो लाई है हम उसको खत्म कर देंगे, क्या कौन सा योद्धा कर्म क्या बोलते हैं उसको, कर्मवीर क्या जो सैनिक जो भर्ती के अग्निवीर सैनिक जो 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। तो इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र साफ साफ कहा है कि हम इसको समाप्त कर देंगे और इसका युवाओं पर डायरेक्ट असर हो रहा है। तो मोदी जी या योगी जी या उनके दूसरी पार्टी के नेता खुद से सवाल करें, खुद के गिरेबान में ये झांके कि आखिर उनके मुद्दे जनता को अपील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस घोषणा पत्र के जो मुद्दे हैं या राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं वो जनता को असर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी आज ही गुजरात में थे, उसी गुजरात में जहां जिसने कांग्रेस को बहुत मतलब कम मार्जिन दिया पिछले चुनावों में, वहीं पर आज उनकी सभा में भारी भीड़ थी और उन्होंने ओबीसी का मुद्दा फिर से उठाया और ये कहा कि 40% जो आईएएस अधिकारी हैं जो मोदी सरकार को चला रहे हैं उसमें 4 जो है ओबीसी के लोग हैं, वो भी भीगी बिल्ली बने रहते हैं, कोने में बैठे रहते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई किसी सलाह पे ध्यान नहीं देती है बीजेपी। तो ये तो असलियत है, क्यों नहीं मोदी जी इस पर बात करते, देना उनमें अगर हिम्मत है तो वो राहुल की बात का आज जवाब दें। वो महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, कल वहां पे जवाब दे राहुल की बातों का। तो ये है राम प्रकाश जी की मुद्दे जो है वो बीजेपी मुद्दों के मामले में एक्सपोज हो चुकी है।